डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि लास्ट 30 डेज में हाउ टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग एनडीए एग्जामिनेशन जस्ट लाइक सैनिक स्कूल कैडेट्स। आज हम आपको बताएंगे कि सैनिक स्कूल में किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है लास्ट 30 डेज में, सो दैट कि मैक्सिमम बच्चे एनडीए जा सके। जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ाई की है या सैनिक स्कूल के बारे में जान रहे हैं, लेकिन वहां पे प्रिपरेशन किस तरीके से बच्चों को किया कराया जाता है वो नहीं जान रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि एनडीए में जाने के लिए सैनिक स्कूल के बच्चों को लास्ट 30 डेज में रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए क्या क्या चीजें बताई जाती है, और इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है तीन चार चीजों पे हम लोग का फोकस होना चाहिए। और इन तीन चार चीजों को अगर हम लोगों ने अपने लास्ट 30 डेज के प्रिपरेशन में अगर देख लिया तो 100% एनडीए का एग्जाम हमारा क्लियर हो जाएगा। जो सबसे पहला चीज होता है फोकस करने के लिए वो होता है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें ज्यादा प्रिपेयर करना है, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन होता है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट और पेपर टू होता है मैथमेटिक्स। पेपर वन में आपका 150 क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और ऑल कंपलसरी सेक्शंस होते हैं। मैथमेटिक्स में आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए टाइम मिलता है आपको ढाई घंटा हो गया यानी 150 मिनट्स। और ये सारा ऑल कंपलसरी होता है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमें पेपर वन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि यहाँ 150 क्वेश्चंस हैं, अगर हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस कवर अप कर लिया तो हमारा रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये अप्रोच है लास्ट 30 डेज में तो आपका अप्रोच गलत है। अगर आपको एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा पेपर टू, वो है मैथमेटिक्स। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा या यूपीएससी का पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़िएगा या किस तरीके से सिलेक्शन होता है, अगर आप उस प्रोसेस को जान लें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि सबसे पहले आपका पेपर टू चेक होता है। अगर आप पेपर टू का कट ऑफ जो कि मिनिमम 35% है, अगर आप 35% स्कोर कर रहे हैं पेपर टू में तभी आपका जीईटी का पेपर चेक होगा। अगर आप 35% नहीं ला रहे हैं यानी 35% आपका मिनिमम कट ऑफ है जो कि यूपीएससी द्वारा सेट किया जाता है, लेकिन अगर आप पेपर टू का मैथमेटिक्स का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तभी आपका पेपर वन का कॉपी चेक होगा। बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं और ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है सैनिक स्कूल में। इसलिए सैनिक स्कूल में लास्ट 30 डेज में सबसे ज्यादा जिस पॉइंट पे फोकस किया जाता है वो है पेपर टू। अब सवाल आता है कि पेपर टू में हमारे लास्ट 30 डेज में तैयारी किस तरीके से की जाए। अब हमारे पास है सिर्फ 30 दिन, तो 30 दिन में अब मैथमेटिक्स में जो होता है कि आपका दोनों मिक्स सिलेबस आता है, इन द सेंस कि क्लास 11 से भी आता है और क्लास 12 से भी आता है। तो हमारा क्या रेशियो होना चाहिए, किस तरीके से हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए, और जब मैं बात करूं कि प्रिपरेशन में तो हमें किन किन चीजों पे ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो सबसे पहला आ जाता है कि मैथमेटिक्स की तैयारी किस तरीके से कैसे की जाए लास्ट 30 डेज में। अगर आपने मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस देखिएगा तो मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस जो है 8 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। इस 8 टॉपिक में अगर आप पिछले 5 साल के देखिएगा, 5 साल का क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि पिछले 5 साल में कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आया है, तो जो सबसे ज्यादा जिस टॉपिक से सवाल होता है वो है अलजेब्रा, दूसरा जो होता है ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा जो आपका होता है स्टैट्स एंड प्रॉब्लम, जो चौथा हो जाता है वो आपका हो जाता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, पांचवा जो हो जाता है वो है, चलिए अभी हम लोग सिर्फ 4 पे देखते हैं क्योंकि सिर्फ हमारे पास 1 महीने का समय है। अलजेब्रा से आपका ऑन एवरेज हर एक साल अराउंड 20 से 26 क्वेश्चंस के बीच में वैरी करता है। अगर आप एनडीए पेपर का देखिएगा जो कि 2019 में अप्रैल में हुआ था, तो इसमें अलजेब्रा से आपके
24 क्वेश्चंस आए थे, यानी आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स में पूरा आ रहा है तो आपका 24 सिर्फ आ रहा है एलजेब्रा से। दिस मींस कि 20% ऑफ द सिलेबस है ये सिर्फ एलजेब्रा कवर कर रहा है। सिमिलरली अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से जो एनडीए 2019 में पेपर एग्जाम 1 में जो आया था इससे आए थे 22 क्वेश्चंस, इसको भी हम लोग यहां लिख लेते हैं 22 क्वेश्चंस। जो तीसरा सेक्शन है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इससे अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था आया था टोटल 20 क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 20 क्वेश्चन। इन सब को अगर ऐड कर दे तो ये हो जाता है 66। दिस मींस कि एनडीए में हर एक साल आउट ऑफ टोटल 120 क्वेश्चन अराउंड 50% क्वेश्चन आपका सिर्फ तीन टॉपिक से आता है। वो तीन टॉपिक कौन कौन सा है? एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को भी मिला दीजिएगा तो अराउंड 60 to 65% आ जाता है, ये सिर्फ चार टॉपिक से। और एनडीए के प्रिपरेशन के दौरान हर एक सैनिक स्कूल में बच्चों को यही बताया जाता है कि लास्ट एक महीने में हमें बस इन तीन चार टॉपिक पे फोकस करना है। दूसरा सवाल आ जाता है कि क्या हम लोग सिर्फ ये इन तीन चार टॉपिक को फोकस करके क्या रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है? 100% हो सकता है। क्यों हो सकता है? इस 60 to 65 अगर हम लोग देखते हैं परसेंट, जिसमें कि हमारा अराउंड 75 क्वेश्चंस हो जाते हैं, इस 75 क्वेश्चंस में ऑन एवरेज उम्मीद की जाती है कि आप 50 to 55 तो सही कर ही लेंगे। अगर लास्ट के एक महीने में आप तैयारी कर रहे हैं तो 50 to 55 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बाकी जो बचता है आपका 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, तो 45 क्वेश्चंस में अराउंड 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि हर एक कोई सॉल्व कर सकता है। बाकी 4-5 टॉपिक में ये सवाल आते हैं जो कि आप 100% सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ 50 to 55 हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया 10, यानी ऑन एवरेज 60 क्वेश्चन ये गारंटीड है कि आप सही कर लेंगे। 60 क्वेश्चन सही कर लिए, दिस मीन्स कि आप 50% आउट ऑफ क्लियर कर रहे हैं और आपका 100% गारंटी है कि रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे जो है फंसते हैं वो मैथमेटिक्स के पेपर में, और जितने बच्चे भले ही आप पेपर वन में जीएटी में बहुत अच्छा स्कोर कर लें, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, मैथमेटिक्स का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, तो आपका जीएटी का पेपर क्लियर नहीं होगा। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे बच्चे जो साइंस स्कूल में नहीं पढ़े हैं उनको नहीं पता होता है। बाद में बच्चे क्या करते हैं कि जीएटी में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरल स्टडीज होता है, सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें लगता है कि ये क्लियर हो जाए। लेकिन अगर ये क्लियर नहीं हो पाया तो हम लोग का रिटर्न क्लियर नहीं होगा। दूसरा सवाल आता है कि जब हम लोग को बस ये तीन टॉपिक पे कवरअप करना है तो हम लोगों को क्या स्ट्रेटेजी अपनी आनी चाहिए? मैं बोलूंगा, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैं भी सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, हम लोगों ने डिटेल में तैयारी की थी, और लास्ट एक महीने में हम लोगों ने किस तरीके से तैयारी की थी ये मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट तीन महीने में हम लोगों ने दो चीजें की थी। पहला चीज प्रीवियस ईयर, दूसरा होता है क्वेश्चन बैंक। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है वेल एंड गुड, लेकिन सवाल आता है कि क्वेश्चन बैंक अगर है तो कौन क्वेश्चन बैंक बना रहा है, किस पब्लिकेशन का है, इसलिए इस पे मैं बात पे जाऊंगा। सबसे पहले आता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। लास्ट एक महीने में हमारा टारगेट होना चाहिए कि अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो एनडीए का जो लास्ट 5 years का क्वेश्चन पेपर है, 5 years यानी हमारे पास 10 sets हो जाते हैं, हर एक साल 2 exam होते हैं, हर एक यानी टोटल 10 sets, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उस 10 sets को हम कम से कम 3 times बना लें। हर एक सेट को 3 times सॉल्व करने का मतलब है कि हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के एक महीने में अगर हम ये कोशिश करें कि किताब निकाल के पढ़ने लगे 11th 12th का, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। उससे बेस्ट तरीका है कि अगर हमारे पास गाइड है तो ठीक है, नहीं गाइड है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हर एक दिन कम से कम एक सेट को मैथमेटिक्स को हम लोग अपने से सॉल्व कर लें, यूट्यूब के मदद से, बुक्स के मदद से, गूगल के मदद से, लेकिन ये चीज सॉल्व कर लें। इससे सॉल्व करने से होगा क्या कि आपका इंटायर सिलेबस कवर हो जाएगा।
आप किसी गाइड पे जाते हैं या मान लीजिए किसी स्टडी मटेरियल्स पे जाते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कि आपको किस टाइप के चीजों के बारे में सोचना है, आपको कॉन्सेप्ट को कहाँ अप्लाई करना है, कौन कौन से टॉपिक को आप जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो चीजें हो जाती है। और अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो वेल एंड गुड। तो ये तो हो गया कि प्रैक्टिस। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि लास्ट के एक महीने में हर एक दिन आप एक एक सेट को सॉल्व करें। दूसरा जो चीज हो जाता है वो है टाइम मैनेजमेंट। सैनिक स्कूल में हर एक बच्चों को बताया जाता है कि किस तरीके से किस टॉपिक पे कितना समय दिया जाए, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा तो एनडीए के एग्जाम में 120 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट्स मिलते हैं, यानी ऑन एवरेज पर क्वेश्चन आपको 75 सेकंड्स ही मिलते हैं, यानी 1 मिनट 15 सेकंड। इस 1 मिनट 15 सेकंड में आपको सिलेबस आपको 120 क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप कम से कम 5 मिनट दीजिए ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चन को आप सबसे पहले सॉल्व करना चाहिएगा। क्योंकि यूजुअली वो क्या जाता है कि बहुत सारे बच्चे एक लाइन से लगातार सॉल्व करने लगते हैं, उस चक्कर में हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। उस चीज को हटाने के लिए आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, आप रैंकिंग कर लीजिए। सिंगल स्टार सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, डबल स्टार, सिंगल स्टार के बाद डबल स्टार पे आएंगे, ट्रिपल स्टार, यानी इस पे हम लोग को ट्राई करना है। और फिर देख लीजिए कि सिंगल स्टार में आपको कितने क्वेश्चंस आप ऐसे हैं जो 100% श्योर है सॉल्व कर लेंगे। अगर सिंगल स्टार आप 50-60 क्वेश्चंस पे लगा रहे हैं, दिस मींस कि आपको चिंता नहीं करनी है, यानी आप 100% इन समय जो है आप ये 50-60 क्वेश्चंस पे दीजिए। क्योंकि अगर आपने 50-60 क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लिया तो आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर है। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि आप 40 क्वेश्चंस सेम पे ही सिंगल स्टार लगा पा रहे हैं, दिस मींस कि आपको 20 एडिशनल क्वेश्चन चाहिए जिस पे कि आपको डबल स्टार लगा के उस पे सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व कर लीजिए तो ये 20 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिसमें कि आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और ये भी अगर आपने सॉल्व कर लिया, दिस मींस कि दोनों मिला के 60 क्वेश्चंस हो गए, यानी 50% क्लियर हो गए, टेंशन की बात नहीं, रिटन एग्जाम क्लियर हो गया। और अगर इसके बावजूद भी मान लीजिए आप 50 के रेंज में ही हैं, यानी 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, यानी हमारा टारगेट होना चाहिए कि 10 एडिशनल क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। उसके लिए फिर से वो सारे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें कि आपको आपने सॉल्व नहीं किया लेकिन आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को स्टार लगाइए और उस 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। और ये चीजें एनडीए एग्जाम में तो आप कीजिए ही कीजिए, लेकिन ये चीजें जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हर एक सेट में वो आप स्टार लगाइए, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार। ये ट्रिपल स्टार, अब सवाल ये है कि लगाने का एक महत्वपूर्ण ये भी है कि जब आप 10 सेट को सॉल्व कर पाइएगा, जब सॉल्व करें तो आप देख पाइएगा कि आपका इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। हो सकता है कि पहले दिन आप सिर्फ 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि आप सिंगल स्टार लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 5 सेट सॉल्व करने के बाद आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि 30 क्वेश्चन में आप लगा पा रहे हैं सिंगल स्टार। तो इस चीज से आप अपने इम्प्रूवमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं। और सैनिक स्कूल में ये चीज बताया जाता है कि आप अपने इम्प्रूवमेंट को कैसे ट्रैक कर रहे हैं। दूसरा हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। आप कोशिश कीजिए कि पहले अगर आप सिंगल स्टार को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सिंगल स्टार में आप आउट ऑफ 150 मिनट्स कितना समय ले रहे हैं और कितना क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कि जो सिंगल स्टार है उसमें आपने 20 क्वेश्चन पे सिंगल स्टार लगाए हैं और इसमें आपने इसे सॉल्व करने में मात्र 12 मिनट लिया या मात्र 15 मिनट लिया, तो दिस इज अ गुड थिंग। उसके बाद देखिए कि जो डबल स्टार है उसमें मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चंस टिक कर रखे हैं, उस 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपने 30 मिनट लगाए, दिस इज अ गुड थिंग। इस तरीके से आप अपनी इंप्रूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं
और आप एक टाइम बाउंड मैकेनिज्म या मेथड के थ्रू आप अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो खत्म होने से पहले एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि सैनिक स्कूल की तरह वहां के पढ़ने वाले कैडेट की तरह अगर आपको अपना प्रिपरेशन लेवल इनहेंस करना है, लास्ट के 30 डेज में प्रिपरेशन करना है सो दैट कि आप 100% रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर सकें और स्पेशली मैथमेटिक्स का एग्जाम क्लियर कर सकें, तो जो 3-4 चीजों को कवरअप करना है, जो 3-4 चीजें हमें करनी है वो मैं आपको बताऊंगा और अगले वीडियो में बताऊंगा कि जेटी को कवर करने के लिए सैनिक स्कूल के बच्चे क्या क्या किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, स्पेशल क्लासेस ले जाते हैं, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लोग आते हैं जो कि उसको प्रिपरेशन कराते हैं। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस किस चीज का करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। यानी हमारे पास 30 डेज है, वन सेट ईच डे। हम अगर 10 क्वेश्चन उठाएं, 10 सेट उठाएं तो इनटू 3 यानी 30 डेज। तो एक एक सेट को आप 3-3 बार कवर अप कीजिए, 3-3 बार उसको सॉल्व कीजिए। मैं क्यों बताऊं, मैं आपको बताऊंगा कि इससे फायदा क्या होगा। जब आप ये सेट सॉल्व कर रहे हैं तो सेट सॉल्व करने से पहले पहले 5 से 6 मिनट में आप हर एक क्वेश्चन को रैंकिंग कर लीजिए कि उसको कितना जान रहे हैं। उसमें आप सिंगल स्टार लगा सकते हैं, डबल स्टार लगा सकते हैं, ट्रिपल स्टार। सिंगल स्टार जो कि आप श्योर हैं, डबल स्टार जिसमें कि आप समय देके सॉल्व कर लेंगे, तीसरा स्टार जो कि मान लीजिए इन दोनों को अगर आप मिला के आपके 60 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो ये सब क्वेश्चन जिस पर कि आपको फोकस करना है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 150 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 75 सेकेंड ही है, और अगर आप ये चीजें नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। तो पहला है कि प्रैक्टिस, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, और तीसरा हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। जब आप सिंगल स्टार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे आप ठीक कर लीजिए कि 30 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में आपको टाइम कितना लग गया। फिर मान लीजिए ये 10 सेट आपने सॉल्व कर लिया, तो दोबारा जब सॉल्व करने आ रहे हैं तो वो फिर आप सिंगल स्टार हो रहा है, डबल स्टार हो रहा है और कितना समय आपको लग रहा है, और सिमिलरली आप ट्रैक कर पाइएगा। तो प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पेपर एंड टाइम मैनेजमेंट, दीज आर द 3 सिंपल थिंग्स विच ईच एंड एवरी कैडेट इज टॉट एट सैनिक स्कूल टू क्लियर द एनडीए एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीएटी का जो पेपर है उसमें साइंस स्कूल के बच्चों को क्या क्या बताई जाती है सो दैट कि मैक्सिमम बच्चे एनडीए पहुंचते हैं।